वेलकम टू आवर चैनल माई सुपर बाइट्स के स्टडी बाइट्स में. आज के इस वीडियो में हम लेने जा रहे हैं अनीता देसाई की बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉवल क्राई द पीकॉक. अनीता देसाई इंडो एंग्लियन ऑथर है. इंडो एंग्लियन का मतलब होता है इंडियन बाय बर्थ और जो इंग्लिश में लिखते हैं, यानी कि थीम्स इंडियन है बट वो इंग्लिश में लिखी जाती हैं, तो इंडो एंग्लियन. अनीता देसाई का मिडिल नेम है अनीता मजूमदार, जो कि मसूरी में 1937 में पैदा हुई थी. उनके फादर एक बंगाली बिजनेसमैन है और उनकी मदर जर्मन है. उन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स ऑपरेशन एंड सप्रेशन ऑफ वुमेन लिखी हैं, यानी कि वुमेन की दुनिया के बारे में लिखी हैं. उनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है और उनकी क्या साइकोलॉजी रहती है, क्या सोच रहती है. बहुत सारे लोग एक्सटर्नल फिजिकल लेवल पे लिखते हैं, बाहरी कहानी लिखते हैं कैरेक्टर्स को लेके क्या हुआ, लेकिन इनकी कहानियाँ साइकिक है, मतलब साइकोलॉजी पे बेस्ड हैं. क्या आदमी सोचता है, किस तरह से फील करता है, उस तरह से हैं. तो इनकी जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो माया है इस स्टोरी में, जिनकी जो अंदरूनी दुनिया है, जो उनकी सोच की दुनिया है, जो उनकी फीलिंग्स हैं, वो सब व्यक्त करी हैं इस नॉवल में. और इसी नॉवल में बीच में सेंटेंस आता है जब माया अपने हस्बैंड से पूछती है कि इन छुट्टियों में हम कहाँ जाएंगे, वेयर शैल वी गो दिस समर. तो इसी को लेकर उन्होंने अपनी अगली नॉवल लिखी 1975 में जो पब्लिश हुई, वेयर शैल वी गो दिस समर. और भी इनकी बहुत सारी नॉवल्स हैं, फायर ऑन द माउंटेन, क्लियर लाइट ऑफ डे, फास्टिंग फीस्टिंग, ये कई बार बुकर के लिए, बुकर प्राइज जो है उसके लिए शॉर्टलिस्टेड भी हुई है. इनकी अपनी बेटी किरण देसाई को बुक प्राइज मिल चुका है 2006 में अपनी नॉवल द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस. ये इनकी बेटी भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही बढ़िया लिखती है, बिल्कुल डायस्पोरिक नॉवल है इनकी, किरण देसाई की द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस. चलिए शुरू करते हैं हम क्राई द पीकॉक. देखिए ये कहानी में कुछ ही कैरेक्टर्स हैं और ये कहानी क्रोनोलॉजिकल नहीं चलती है कि एक के बाद एक फिजिकल लेवल पे. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये साइकोलॉजिकल लेवल पे है, अंदर किस तरह से विचार आते हैं, क्या सोच है वो है, मतलब एक तरह से पूरी तरह से दिमाग में क्या चल रहा है. जैसे वर्जीनिया वुल्फ लिखते हैं अपने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में, तो इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का भी काफ़ी मतलब एक्सप्रेशन उसके थ्रू दिया हुआ है. तो चलिए देखते हैं कितने कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं इसमें. राय साहब एक बहुत ही प्रॉस्परस एडवोकेट है लखनऊ में, उनकी एक ही बेटी है, राय साहब की जो डॉटर है उनका नाम है माया. उनका एक बेटा भी है अर्जुन, जो कि काफ़ी पहले अमेरिका चला गया अपने करियर के लिए, अपनी डेस्टिनी को बनाने के लिए. वो घर से दूर है, इनकी मां नहीं है. तो एक तरह से राय साहब के पास अब केवल कौन है, माया, जो कि बहुत ही लाड़ प्यार में पली है. जो भी उनको कुछ चाहिए था वो राय साहब ने उपलब्ध कराया, सारा मटेरियलिस्टिक जो प्लेजर है उनको, जो भी चीज़ जो भी अवेल करानी थी वो बहुत अच्छे से उनको मिला है, किसी चीज़ की कमी नहीं रहने दी और बहुत ही प्रोटेक्टिव फादर के रूप में वो आए हैं. अब गौतम जो हैं, गौतम वो माया के हस्बैंड हैं. एक्चुअली वो काफ़ी उम्र में बड़े हैं, वो एक तरह से राय साहब के फ्रेंड भी हैं, तो ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है कि कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा. जो मिला उससे माया की शादी कर दी गई, माया ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया. और ये जो गौतम है ये माया से टोटली डिफरेंट है, ऑपोजिट इन नेचर. वो भी लॉयर हैं बट बड़े रियलिस्टिक हैं, अवे फ्रॉम मटेरियलिज्म है इनको, ये बिल्कुल सेंसिटिव नहीं है, उनको कई चीज़ों में फ़र्क ही नहीं पड़ता है. जितनी माया इस माया जाल में उलझी हुई हैं, जैसे कि नाम से प्रतीत होता है, मतलब एक ये इनका नेम भी मान लीजिए कि ये मेटाफरिकल है, कि इनके नाम में माया है, तो वो माया में इस वर्ल्ड में प्लेजर्स को वो भोगना चाहती हैं. उनके सारे जो फिजिकल प्लेजर्स होते हैं, सेक्सुअल, जो उनको मटेरियलिस्टिक प्लेजर है, उनको सब चाहिए. लेकिन गौतम इन सब से बहुत दूर है. गौतम आप नाम से ही पहचान लीजिए कि गौतम मीन्स गौतम बुद्ध, जो कि इस दुनिया के जो ये जो इतने लोहावने और जो ये माया जाल है उससे बहुत दूर हो गए थे. तो ये भी उनके हस्बैंड ऐसे ही हैं. तो देखिए कैसे चलेगा काम, क्योंकि मिसमैच्ड मैरिज है. तो यही इस कहानी में पूरा आगे से लेके, मतलब शुरू से लेके आखिर तक वही एक मेंटल स्ट्रगल बताया माया को, कहा कि उनको कितनी सारी चीज़ें चाहिए थी, उनको अपनी कैसे इच्छाएं पूरी करनी थी, लेकिन किस तरह से
वो नहीं कर पाती हैं और समय समय पे इतना सफ़र करती हैं कि बहुत ही ज़्यादा उदास रहती हैं वो। अब देखिए, एक बार शादी से जस्ट पहले वो अपने किसी फ्रेंड के साथ किसी एस्ट्रोलॉजर को मिली थी। कहानी में एस्ट्रोलॉजर को बोला गया है एल्बिनो एस्ट्रोलॉजर। एल्बिनो वो होते हैं जिनमें कोई पिगमेंट नहीं होता, जिनकी स्किन में जो टोटली सफ़ेद होते हैं, हम लोग हिंदी में उनको सूर्यमुखी भी बोलते हैं, मतलब वो टोटल वाइट होते हैं। तो उनसे कभी मिली होंगी, तो उन्होंने प्रोफेसी करी माया को देखकर कि उनकी शादी के 4 साल बाद कुछ आपदा आएगी जो कि फेटल होगी, मतलब वो किसी को तो मार के जाएगी, या तो उन्हें या तो उनके हस्बैंड को। तो आप देखिए, ये चीज़ उनके दिमाग में बैठ जाती है, वो बिल्कुल नहीं समझ पाती कि नहीं, ये तो केवल एक प्रोफेसी है, ये तो एक केवल उनके तो लगता है, उनको लगता है कि ज़रूर मैं मरने वाली हूँ। उनको पल पल ये लगेगा शादी के बाद कि उनकी मौत बहुत ही पास आ रही है। और जैसे बताया कि ब्रदर तो ऑलरेडी अमेरिका चले गए थे, तो उनको फादर का पूरा अफेक्शन और अटेंशन मिला था, और फादर के लिए उनके अलावा कोई था भी नहीं। तो इतना प्यार मिलने के बाद एकदम से हस्बैंड की तरफ से जब उन्हें कोई भी प्यार नहीं मिला, ज़रा भी अटेंशन नहीं मिला, फिजिकल रिलेशनशिप भी उनकी उनके सेटिस्फैक्शन के हिसाब से नहीं रही, तो वो एकदम डिप्रेशन में चली जाती हैं। उनका एकदम से वो उदास ही रहती हैं और इस तरह से वो फील करती हैं अपनी लाइफ को कि उनकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है, और बार बार उन्हें एक ही ख्याल सताता रहता है कि जल्दी ही उनकी मृत्यु आने वाली है, जल्दी ही वो मरने वाली है, जल्दी ही वो जो ट्रेजेडी जो एल्बिनो एस्ट्रोलॉजर ने उनको दी थी वो उनके कानों में बजती रहती है ड्रम बीट्स की तरह। वो जो वर्ड्स हैं वो कभी नहीं भूल पाती हैं। और ऑथर ने बहुत तरीके से कई जगह इस चीज़ को डिस्क्राइब किया है कि वो डेडली शैडो माया को कभी नहीं छोड़ पाती है। उनकी जो रिलेशनशिप विद हर हस्बैंड है वो बहुत ही डिप्रेसिंग है, फ्रस्ट्रेटिंग है। तो ये जो चीज़ है उनको उस प्रोफेसी का हरदम याद दिलाती रहती है, क्योंकि अगर उनको प्रेम मिलता, अगर उनको अपने हस्बैंड का साथ मिलता, तो हो सकता था वो चीज़, मतलब वो प्रोफेसी वो भूल जाए, एक तरह से वो पूरी तरह से मतलब उनके हस्बैंड का लव अटेंशन बिल्कुल ही नहीं मिला है। अच्छा, इनके घर में गौतम की मदर और सिस्टर भी आती रहती है, मतलब इनका भी थोड़ा बहुत रोल है। इनकी जो मदर इन लॉ है, मतलब माया की, वो एक सोशल वर्कर हैं, वो पुअर्स के लिए क्रश चलाती हैं, और भी कई उनके काम रहते हैं। तो यहाँ पर इस नॉवल ने ये भी बताया कि किस तरह से वो जब अपनी फैमिली के साथ हैं, इन सब के साथ हैं, तब तो वो खुश हैं, तब तो उनको मज़ा आता है, थोड़ा टाइम उनका निकल जाता है, और जैसे ही वो अकेली पड़ जाती हैं तो उनको वो डर सताने लगता है उनकी मौत का, उनको सर दर्द होने लग जाता है, उनको अजीब अजीब से एक्सपीरियंसेस होते हैं। एक बार की बात है कि उनका जो एक डॉग था टोटो, उसकी डेथ हो जाती है, और वो बहुत रो रही होती हैं, बहुत ही दुखी होती हैं। इधर उनके हस्बैंड को एक कप चाय चाहिए, मतलब चाय या कॉफ़ी जो भी, उनको बिल्कुल असर नहीं होता है, और उनको ऐसा लगता है कि अरे दूसरा ले आओ ना जाकर। वो उनके जो मेंटल स्टेट है, उनकी फीलिंग को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। उनके लिए तो वो एक जैसे पीस ऑफ फर्नीचर होता है, उस तरह से है। वो उनको एक बिल्ली भी बाद में ला के देते हैं कैट, पर वो उससे इतनी अटैच नहीं हो पाती है। तो यही सारी कारण है कि वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाती चली जाती हैं, काफ़ी जाती हैं, और उनको लगता भी है कई बार कि क्या मैं पागल हो गई हूँ, एम आई गॉट अनसेन। वो चाहती हैं कि कोई तो मुझे बचाए, चाहे वो फादर हो, चाहे वो ब्रदर हो, चाहे वो हस्बैंड हो, लेकिन उनके पास ना फादर है, ना ब्रदर है, ना हस्बैंड है। यहाँ पर वो हेनरिक इब्सन की जो बहुत ही पॉपुलर नॉवल है अ डॉल्स हाउस, वो उनको मतलब वो यहाँ याद दिलाती हैं कि जो एक फीमेल है वो डॉल की तरह यूज़ होती है, खिलौने की तरह, पहले फादर के हाउस में, फिर हस्बैंड के हाउस में, और फिर अपने खुद के सन के हाउस में। यानी उसका अपना कोई घर, कोई वजूद, कोई फीलिंग नहीं होती उसको इन सब
मेल मेंबर्स के अकॉर्डिंगली ही रहना पड़ता है। तो इस तरह से उनके और उनके हस्बैंड के बीच में बहुत कम्युनिकेशन गैप रहता है। उनकी जो उन्होंने बहुत सपने देखे थे अपनी रोमांटिक लाइफ के लिए, बहुत से कलर्स थे उनकी ड्रीम्स के, बहुत सेंशियस भी थी, लेकिन गौतम उतने ही अनरोमांटिक थे। उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। उनके यहाँ एक बड़ा सा गार्डन था और जब भी बारिश आती थी तो थोड़ा अंधेरा छाता था तो बहुत सारे पीकॉक्स की आवाज़ आती थी। वो जोर जोर से चिल्ला रहे होते थे, बारिश को बुला रहे होते थे, तो वो जो एग्नी, वो जो पेन जो पीकॉक की आवाज़ में आता है वो अपने से आइडेंटिफाई करती थी। वो कहती थी जिस तरह से ये पीकॉक चिल्ला चिल्ला कर रेन को बुला रहे हैं, एक हैप्पीनेस बुला रहे हैं, अपने पार्टनर को रिझा रहे हैं डांस कर करके, चिल्ला चिल्ला कर, इसी तरह से मैं भी इसी डिस्पेयर, इसी एग्नी, इसी सपने मैं भी डूबती जा रही हूँ और मैं भी इसी तरह से एकदम ख़त्म हो जाऊँगी। तो इनका जो एक जो एक तरह से माया अपनी स्टेट को जो बाहर पीकॉक्स हैं उनकी स्टेट से कंपेयर करती हैं, इसीलिए ऑथर ने इनका जो टाइटल रखा है क्राई द पीकॉक, मीन्स शी इज़ ऑल्सो क्राइंग लाइक द पीकॉक, शी इज़ ऑल्सो डेवस्टेटेड लाइक द पीकॉक बिकॉज शी हैज नॉट गॉट एनीथिंग फ्रॉम लाइफ, शी इज जस्ट शाउटिंग फॉर लव, शी इज शाउटिंग फॉर इनोसेंस, हर क्राइज ऑफ लव आर लाइक दैट ऑफ पीकॉक्स, एज इफ पीकॉक्स आर यू नो व्हाट, वो पीकॉक्स क्या कर रहे हैं, अपनी डेथ को इनवाइट कर रहे हैं चिल्ला चिल्ला कर। और इसी तरह से इन्होंने भी शादी कर दी है और जैसे कि उस उन्होंने जो भविष्यवाणी करी थी, प्रोफेसी करी थी कि 4 साल के अंदर या तो तुम्हारी मौत होगी या तुम्हारे हस्बैंड की होगी, और वो चीज़ उनको बुरी तरह से परेशान करती रहती है और वो बस इसी चीज़ का इंतज़ार करती हैं कि पता नहीं आज पता नहीं कल कब मौत उनके पास आने वाली है। देखिए उनकी मदर नहीं थी तो वो और भी ज़्यादा सेंसिटिव थी क्योंकि फादर से वो हर चीज़ शेयर नहीं कर सकती थी, तो उनका जो अटैचमेंट था एक तरह से उनके पेट में ज़्यादा चला गया था, टोटो जैसे मैंने बताया आपको, उसी से उनका इमोशनल बॉन्ड हो गया था और उसी इमोशनल बॉन्ड की इंसल्ट उनके हस्बैंड ने की थी जब वो मर गया था। तो देखिए ऐसे टाइम पे किसी को भी अपने किसी फैमिली मेम्बर के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जैसे डॉग की डेथ हो गई तो फिर वो फिर लोनली हो गई, फिर वो डिप्रेशन में चली गई, तो इस तरह से उनकी लाइफ में कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं रहा जिसके आगे वो बढ़ सके, जिसको वो ये सोच सके कि हाँ अभी मेरे ज़िंदगी में कोई होप बची है। तो इसलिए वो कई तरह से इसमें कई सिंबल्स भी हैं कि वो चाहती हैं कि लॉर्ड शिवा आए और उन्हें बचा लें, यानी कि जो एक सिंबल ऑफ लव है, लव ही उनको बचा ले। कुछ इस तरह से वो बहुत ही ज़्यादा डीप थॉट्स में खो जाती हैं। लेकिन एक बार उनके मन में ख्याल आता है कि भाई 4 साल में किसी एक की मौत होनी है तो मेरी क्यों, हो सकता है मेरे हस्बैंड की भी हो जाए। तो वो ये एकदम ऐसा ख्याल आता है तो वो अपने हस्बैंड को गौतम को छत पर बुलाती हैं और वो भी उनकी तरफ टेरेस पे चले जाते हैं और माया उनको मून की तरफ देख के बताती हैं कि कितनी सुंदर रात है, कितना ब्यूटीफुल मून है। और गौतम उनके सामने जैसे ही आते हैं उनकी बातें सुनते हुए वैसे ही वो उनको छत से धक्का दे देती हैं, यानी कि एक तरह से वो पुश कर देती हैं अपनी डेथ को बचा, मतलब पुश कर देती हैं एक तरह से गौतम को मारकर वो अपनी डेथ को पुश करती हैं, पास ऑन कर देती हैं उसी एक अंदर के पैशन और कहिए डिप्रेशन या उनकी अपनी एक फीलिंग के द्वारा, उनकी एक रहने मतलब जिंदा रहने की तमन्ना जो थी, उनके अंदर लाइफ थी, उनके हिसाब से गौतम तो जस्ट ऐसे ही जिंदगी जी रहे थे, उनके में कोई पैशन नहीं था, बट उनके अंदर इतना पैशन, इतनी फीलिंग्स थी कि वो पूरा ना होने पर वो पागल सी हो गई थी वो, और उसी पागलपन में उन्होंने अपने हस्बैंड को छत से धक्का दे दिया। उसके बाद उनकी सिस्टर इन लॉ और मदर इन लॉ आते हैं और उनको लेकर चले जाते हैं उनके फादर के घर में जो कि लखनऊ में था, और वहाँ पर
वहां से वो इनको जो पागल खाना होता है वहां पर ले जाने की तैयारी होती है, यानी कि उनको असाइलम में भेजने की पूरी तैयारी होती है। और लास्ट का सीन इस तरह से है कि एक वाइट जो पूरा एक शैडो वो भागती सी दिखाई देती है और वो आगे जाके कहीं पर गायब हो जाती है। तो इसके बहुत सारे मीनिंग्स निकाले जाते हैं कि क्या माया ने लास्ट में खुद ने ही सुसाइड कर लिया, क्योंकि वो अपने आप अपने इंटरनल जो टर्मोइल है, जो अपने अंदर दिमाग में जो चल रहा था उसको संभाल नहीं पाई और उन्होंने अपने हस्बैंड को भी मार दिया और आगे जाके खुद ने ही सुसाइड कर लिया। तो इस तरह से इसमें बहुत ही डीप मेंटल स्टेटस ऑफ वुमन, यानी कि औरत का जो अंदर का साइकोलॉजिकल जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, और जो उनको सप्रेस करा जाता है इस सोसाइटी में, वो सारा बड़ी खूबसूरती से अनीता देसाई ने लिखा है। लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लेक्स है और जैसे मैंने बताया आपको कि कहानी ऐसे सीक्वेंस में नहीं चलती है, बीच बीच में टूटती है, कभी वो उनके चाइल्डहुड में चली जाती है, कभी वो उनके प्रेजेंट में आ जाती है, कभी वो अपने फ्यूचर को सोच के परेशान हो जाती है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसका डिस्कशन और हम बाद में करेंगे कोर्स खत्म होने के बाद में। इसलिए लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बने रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू।